बाय अच्छा से बाय बनाओ। बाय बाय बाय। बाय। आज का खाना में मैं चावल बना रहा हूँ, तो गरम पानी को बैठा दिए हैं उधर। अभी हम प्याज डालेंगे, बर सब है उसको भी क्लीन कर देंगे हम, और एक बार रात को भी यहाँ पे रुकेंगे ना वो लोग, वरना वही गोबर में लेते पे तो पूरा कादो कादो हो जाएगा, इसलिए इसको क्लीन कर देंगे, साफ कर देंगे। माँ और पापा तो रेडी हो गए हैं, माँ उधर दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, थैला में सामान सब भर दिए हैं, पापा इधर पहाड़ में चढ़ेंगे बोल के पसीना होगा बोल के खाली गंजी खाली पहने हैं, कपड़ा को तो बैग में रखे हैं, और आज से मेरे को इकलाई घर में रहना पड़ेगा 2 दिन जैसे, ना तो कहाँ गुतिया जा रहे हैं। माँ और पापा फिर निकल रहे हैं मेरे को अकेला छोड़ के, कब तक आएंगे पता नहीं। एक सप्ताह रहेंगे बोल रहे हैं, घर का ए से जेड अभी काम मेरे को ही करना पड़ेगा। चलो आधा रास्ता ले छोड़ देते हैं, सुबह को दरवाजा सब को बंद करना होता। मैं अनसलेन लुगुन स्वागत करता हूँ आप सभी को ये न्यू ब्लॉग में, और मैं तो माँ और पापा को आधा रास्ता ले छोड़ दे रहा हूँ, इसके लिए उनका बैग को पकड़ा हूँ। माँ पापा पीछे पीछे आ रहे हैं, माँ तो आज पूरा 1 घंटा हुआ रेडी हो रहे थे। यहाँ से और आगे हम नहीं जाएंगे, इधर ही से हम माँ पापा को उधर टाटा बाय बाय कर देंगे, बैग सबको दे देंगे, लो पापा अभी जाएंगे, बाय 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 बाय। चलो माँ पापा तो चले गए हैं उधर पीछे तरफ जा रहे हैं, और आज से तो मेरे को ही साफ काम करना पड़ेगा, और गांव घर में ये मौसम में क्या क्या काम सब होता है वो सब आपको दिखाएंगे, घर का ए से जेड तक काम हम ही करेंगे। अभी खुद के लिए खाना पकाना, घर सफा करना वगैरह वगैरह वो सब आपको दिखाएंगे, तो अभी जा रहे हैं हम घर तरफ। अभी 3:15 हो गया, तो अभी हम अपना गाय और बकरी सबको चराने लेंगे, तो अभी इधर पहुंच गए हैं, अभी सबको खोलेंगे और ले जाएंगे चराने के लिए। सोनू सोनू सोनू, ये हम लोग का सोनू है। अभी हम अपना गाय और बकरी सबको घर ले रहे हैं, इधर जा रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं सबको, और उधर हम लोग का दादा लोग उधर से वो लोग भी लेके आ रहे हैं मेरा पीछे पीछे, और मैं तो आगे किया हूँ। फिर सन्याची मीयू दीपिका सन्याची, इसका नाम है दीपिका हम लोग का, इसके छोटी का। तो चलो अभी सबको अभी बांध देंगे घर में, रेस्ट करेंगे रात भर, फिर कल इन लोगों को चराने लेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को नेक्स्ट डे में। वैसे तो कल वही 1-2 बजे को मम्मी और पापा तो गए कहाँ पे गुतिया, और मैं ही घर में अकेला हूँ, तो अकेला ही अब सब काम करना पड़ेगा, तो अभी से शुरू करते हैं आज का काम, जो कि क्या क्या होता है उसको दिखाते हैं। पहले तो हम अपना आज मुर्गी सबको खाना खिलाएंगे थोड़ा सुबह सुबह, आज का खाना में मैं चावल बना रहा हूँ, तो गर्म पानी को बैठा दिए हैं उधर, और इधर अपने थोड़ा चावल सबको कुछ कुछ टुकड़ा रहेगा तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। घर तो झाड़ू करके ख़त्म कर दिए, और अभी हम अपना अंगना को झाड़ू करने आए हैं, और अभी झाड़ू मार रहे हैं।
और उधर हम अपना जो चावल को भी बैठा दिए हैं, वो भी पक रहा है आराम से। आ चुके हैं हम लोग का गाय लोग को रखते हैं उनका घर, इनकी गुहार घर। यहाँ पे जो उन लोगों का पट्टी सब है, गोबर सब है, उसको भी क्लीन कर देंगे हम। और एक बार रात को भी यहाँ पे रुकेंगे ना वो लोग, वरना वही गोबर में लेतो पेतो पूरा कादो कादो हो जाएगा, इसलिए इसको क्लीन कर देंगे, साफ कर देंगे। उसके लिए हम इधर बकेट इधर जो देख सकते हैं उसमें हम भरेंगे, और हम लोग का गोबर गड्ढा उधर है वहाँ पे फेंक देंगे। तो इसको हम अभी क्लीन करते हैं। अभी हम आ चुके हैं किचन घर, और तभी हम तो चावल उधर उतरा दिए हैं, अभी हम सब्जी बना रहे हैं। इसके लिए प्याज काटे हैं इधर, और मिर्चा भी, और उधर कढ़ाई में तेल दे दिए हैं। आज हम बना रहे हैं गुणा, और गुणा हो जाएगा तो उसके बाद हम करेला भुजा बनाएंगे। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं, अभी हम प्याज डालेंगे। हम डाल दिए प्याज, इसको पकने देते हैं। उसके बाद हम उसमें डालेंगे बेलाती, उसके बाद उसमें थोड़ा मार पानी जो चावल से निकलता है वो पानी, और थोड़ा सादा पानी। उसके बाद वो जैसे उबल जाएगा वैसे हम उसमें गुंडा डाल देंगे, हो जाएगा। उसके बाद हम उधर क्या करेला को काटेंगे, उसको भी भुजिया करेंगे। सब खाना सब तो रेडी कर दिए, और ज़्यादातर काम तो ख़त्म कर दिए हैं आज का मॉर्निंग का। और अभी हम रात का जो बर्तन सब था उसको वहाँ भी धोने के लिए जा रहे हैं, उसको धो के लाएंगे। उसके बाद टाइम भी हो गया है शायद, और खाना खुना खा लेंगे। उसके बाद हम अपना गाय और बकरी को ले जाएंगे वही जंगल चराने के लिए। मेरा मुर्गी सबको तो जितना खाने देने से भी लोग नहीं, इन लोगों के साथ पेट ही नहीं भरता है, इधर ही घूमते रहते हैं। हम अभी ब्रश करते करते अपना थोड़ा खेत तरफ थोड़ा देखने आया हूँ, खेती सब कैसे हो रहा है, यानी कि किधर से कुछ आके बरहा वगैरह खा तो नहीं दे रहे हैं, बोल के थोड़ा देखने आए हैं। क्योंकि फूल भी अभी धान में आ चुका है उसी वजह से, थोड़ा जाते हैं घूम लेते हैं। इस ऊपर हम लोगों का खेत है तो हम देखने आए हैं अभी। ऐसे तो हल्का हल्का फूल आ रहा है धान में, अभी फूल हो जाएगा उसके बाद धान होगा, उसके बाद कितना सारा काम है। अभी तक कुछ नहीं खा रहा है, शायद फूल जाएगा उसका थोड़ा धान होगा उस टाइम भरा सब आएंगे, उस सबको हम जोगेंगे। रातों रात उन लोगों को भागाना है खेत से, फिर पूरा चारों ओर खेती खेत है आसपास में। और हम इसे बोले तो ज़्यादातर तो जंगली है, पूरा चारों दिशा खाली जंगली जंगल है। जंगल का बीच में हम लोग का गांव है, इतना बीच में जंगल का इधर जो अंदर शहर में जितना हो सकेगा उतना में हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। ली 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 ली। अभी हम अपना गाय और बकरी सबको ले के आ गए हैं चराने के लिए। आज उधर जो उस टाइम पापा कड्डा बेटा तरफ ले रहे थे, हम वही साइड आज लेंगे अपना गाय और बकरी सबको, सबको चराएंगे और फिर से आपस ले के चले जाएंगे घर। अभी हम इन लोगों को पूरा पेट भर के आज पूरा खिलाएंगे पिलाएंगे, पत्ता सब डाल सब छोटा छोटा उसको काट देंगे दे देंगे, खाएंगे पूरा पेट इन लोगों का फुल करेंगे, उसके बाद घर रिटर्न करेंगे। तो पूरा भूखा प्यासा बहुत दौड़ के जा रहे हैं आधा आधा तो पूरा जोर जोर। आज हम लोगों का कबरी भी आई है मेरे साथ, इधर पीछे पीछे कबरी कबरी कबरी
ये हम लोग का कबरी है। मैं हम लोग का गांव का जंगल में एक नया खोज किया हूँ। देखिए यहाँ से पूरा पानी पूरा अपने आप निकल रहा है, ऊपर से तो नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ से पूरा पानी पूरा बहुत स्पीड से निकल रहा है, यहाँ से पूरा नीचे और जा रहा है पानी। इतना इसको देखिए बड़े जोर से। जंगल से हम गाय और बकरी सब को तो लेके आए और उन लोग को अपना अपना जगह में बांध दिए हैं। और आज इतना जोर से बारिश हुआ मत पूछो यार, हम जंगल में थे और इधर उधर पर पेड़ पौधा, उस टाइम बारिश, छतरी भी लिए थे पर छतरी का तो कुछ काम ही नहीं, हम तो पूरा भीग गए थे। और जैसे हम लोग जैसे हम यहाँ पे गाय और बकरी सब को बांध किए, उसका तुरंत तुरंत बाद हम डायरेक्ट चले गए नहाने, और नहा के आए और लंच हो गया। अभी खा पी के थोड़ा इधर आए हैं अपना खरियन तरफ, वही फिर से बाद में 3 बजे जैसे फिर से अपना गाय और बकरी सबको चराने के लिए ले जाएंगे। कितना खाते हैं फिर भी लोगों का पेट ही नहीं भरता है। 3 बजे उन लोगों को एक बार छोड़ेंगे कि ओ उधर पास में, और उधर बाद में लेंगे, उधर टुंगरी तरफ इस साइड साइड उन लोगों को चराएंगे बाद में। अभी इवनिंग को हम अपना गाय और बकरी सबको लेके आए चराने के लिए। उधर गाय सब चर रहे हैं और उधर बकरी सब आराम से खा रहे हैं पूरा। पूरा मन भर के खा रहे हैं। दो ठो तो उधर चले गए हैं, ओ दे उधर क्या उड़ रहा है मेरा, नहाया वहाया नहीं, इधर आके मैंने 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 कर रहा है। इधर हम लोग बोदी लगाए हैं, ये बढ़ रहा है धीरे धीरे, इधर का तो बहुत ही बड़ा हो गया है ये वाला बगीचा में, और वो वाला बगीचा में उधर एक ठो है वहाँ पे भी लगाए हैं। और अभी तो हल्का हल्का फूल पकड़ रहा है, इधर हल्का हल्का फूल हो गया है, ये रहा फूल तो इधर ये फूल हो रहा है। कितना दिन में भी फल आ जाएगा। और अभी अपना ये गाय और बकरी सबको अभी ले जाऊंगा घर, बांध कर दूंगा, ये लोगों का पेट भी भर गया होगा, फिर भी बहुत खा रहे हैं ये लोग। तो चलो ये ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगे तो आप लोग ये ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं कुछ और नया कहानी के साथ, बाय।